आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत 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 वक्त के बाद लिखा हुआ खत है। एक ऐसा खत कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें ढूंढने के लिए हम इतने खो गए कि एक दूसरे को लिखना ही भूल गए। तो उसी चीज़ को वापस लाने के लिए आज थोड़ा सा डिस्टेंस हुआ नेचुरल वाला, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई है। वही चीज़ें चाय पीते पीते, वो भी कॉफ़ी वाले मग में, आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज डियर तुम की एक छोटी सी बात सुनाने जा रहा हूं, बस यूं ही। डियर तुम, आज पूरा दिन तुमसे बात नहीं हुई और तुम्हारी याद आ रही है, ये बात को जताना भी ना हुआ तो लगा ये तो खुद ही को सताने जैसा हुआ। इसीलिए ये खत। आज शाम की बात है, आधी अधूरी सी नींद से उठा मैं। किचन में जाके पतीले में रिश्ते के सत जैसा दूध, तुम्हारी नहीं हमारी यादों की पत्ती, दूरियों में भी मिठास जैसी शक्कर, थोड़ी सी तीखी बातों जैसा मसाला और उसमें शीतलता देता हथेलियों जैसा पुदीना। ये सब एक एक करके मैंने पतीले में डालना शुरू किया। फिर जैसे ही गैस स्टव ऑन किया ना, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे, वो धीरे धीरे गर्म होने लगे और उससे बनती चाय की जो खुशबू थी ना, उसके जैसे हम दोनों फिर से महकने लगे। थोड़ी देर के बाद जब मेरे फेवरेट ब्लैक कॉफी मग में मैंने चाय डाली, तब ख्याल आया कि ये पूरा वाक्या बिल्कुल हमारे जैसा है ना। तुम कॉफी का मेरा फेवरेट मग हो और मैं गर्मा गर्म चाय। वैसे अलग अलग हैं, पर एक हो जाए तो जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, है ना। शायद शायद ये दोनों के अपने अपने रंग का कमाल है, एक दूसरे में घुल जाने के ढंग का कमाल है। शायद ये मैं से तुम के परे हम का कमाल है। जैसे ही गर्मा गर्म चाय की भाप थोड़ी सी कम हुई ना, मैंने कप हाथ में लिया और पहली ही घूंट जैसे ही अंदर गई ना, तो जाते हुए ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी ने फिर से चूमना शुरू किया। उस पहली सी घूंट से ये भी ख्याल आया कि हम भी बिल्कुल ऐसे ही है ना, बाहर से गर्म पर अंदर घुलते ही मन को आराम दे वैसे नरम। अगर हमारे झगड़ों की बात करूं ना, तो बिल्कुल उस पार्ले जी के बिस्कुट जैसे हैं। अगर ज्यादा देर चाय में रखो तो डूब जाए ऐसे चिरकुट जैसे हैं, जो ये भी समझाते हैं कि रिश्ते की गर्माहट में बेतुके से या फिर सही ख्यालों को ज्यादा डुबा के रखोगे तो प्यारा सा बिस्कुट तो गवाओगे ही, जिंदगी समान चाय का स्वाद भी गवाओगे। हल्का सा लिया और निकाल दिया, ऐसा ही कुछ। तो बस हल्का सा उसको डुबाओ, बाहर निकालो और खा के सही स्वाद पाओ, फिर वो बिस्किट हो या जिंदगी की किटकिट, करना यही है। वैसे ये बात करते करते ये चाय का कप ना अब खत्म हो गया है, जो ये भी बता रहा है कि तुम्हारे बिना मैं भी खत्म हो गया हूं। तो जल्दी से ये खत फिर से पढ़ो, मुस्कुराओ और कॉफी मग समान मेरे इस दिल को अपनी प्यार की चाय से भर जाओ, ताकि दोनों में से कोई भी अधूरा महसूस ना करे। ठीक है वही, हर बात में चाय वर्सेस कॉफी करता दोनों का दीवाना, तुम्हारा फेवरेट कॉफी पार्टनर।